कार्डबोर्ड से कलरफुल दिए बनाएं घर को चार चांद लगाएं सस्ता सुंदर एकदम आसान नमस्कार दोस्तों क्राफ्ट पॉकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है ए फोर साइज का प्लेन पेपर लेकर दिए की साधारण सी ड्राइंग करें दिया का लौ यानी फ्लेम भी बनाएं लॉ का साइज है करीब चार इंच और दिए का साइज है करीब तीन इंच और इसकी चौड़ाई है करीब साढ़े इंच थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है ड्रॉइंग को पहले फ्लैश कट काट लें फिर दिए के फ्लेम यानी लो को भी अलग से काट लें दिए के टोटल हाइट के बराबर थोड़ा मजबूत वाला कार्डबोर्ड ले लें दिए को रखकर पेंसिल से निशान बना लें कार्डबोर्ड को भी दिए के शेप में फ्लैश कट काट लें मैंने छः का सेट बनाया है आप चाहें तो कम या ज्यादा बना सकते हैं कोशिश करके इन्हें बिल्कुल फिनिश काटें और एक जैसा कट करें इसके साथ ही दिया रखने के लिए छोटा सा प्लेटफॉर्म भी छः पीस काट लिया है जितना बड़ा दिया यूज करना है उसी के साइज का प्लेटफॉर्म भी रखें लौ के ठीक नीचे कट लगाएं प्लेटफॉर्म को इंसर्ट करके देख लें ये इसमें बिल्कुल जकड़ जाना चाहिए ताकि ये आसानी से दिए का भार उठा सके ये एमसिल का सबसे छोटा पैक किसी भी हार्डवेयर या स्टेशनरी की दुकान पे आसानी से दस रुपये में मिल जाता है पैक के अंदर दो पाउच होता है दोनों को मिलाकर एक ब्लैक कलर का क्ले बन जाता है इन्हें बनाने के बाद आधे घंटे के अंदर यूज़ कर ले, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा ये पतला तार जो आसानी से मुड़ जाता है नहीं है तो धागा भी ले सकते हैं तीन या चार इंच लंबे टुकड़े लेकर पेन की सहायता से मोड़कर हैंगर की तरह बना लें इसे दिए के लौ के बीच में रखकर पहले फेविकोल फिर एमसील से चिपका लें सभी सेट्स पे ये काम करें इसके बाद छोटे वाले प्लेटफॉर्म पे फेविकोल लगाकर इंसर्ट करें और पीछे की तरफ से एमसिल से चिपका कर इन्हें फिक्स करें इन्हें दो घंटे तक ड्राई होने दें ताकि ये आसानी से सेट हो जाए सीधे वाले भाग पे कहीं कहीं सेलो टेप या फिर ब्राउन टेप चिपका लें ताकि मॉइश्चर ना लगे ये वॉल पुट्टी है जो किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आसानी से 40 से 45 रुपए किलो मिल जाता है जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है पैक के पीछे देखने से पता चलता है ये काफ़ी हद तक सेफ है और इको फ्रेंडली भी है पुट्टी पाउडर में फेविकोल और थोड़ा सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें इस पेस्ट से कार्डबोर्ड पे जल्दी से पतला लेयर करें लेयर सेलोटेप वाली साइड पे करें इन्हें तुरंत धूप में सूखने के लिए डाल दें धूप अगर ना हो तो फैन चलाकर इसे सुखा लें अच्छी तरह ड्राई होने दें वॉलपुटी पाउडर से डो बनाना सीखते हैं छः चम्मच वॉलपुटी पाउडर लें छोटे वाले चम्मच से भर भर कर पाउडर लें अगर छः चम्मच पाउडर लिया है तो पाँच चम्मच पानी मिलाएं इन्हें अच्छी तरह पाउडर में मिक्स करें इतना मिलाएं ताकि पूरे पाउडर में मॉइस्चर आ जाए ध्यान रहे ये गीला ना हो केवल मॉइस्चर आना चाहिए आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं इन्हें उंगलियों से टच करें अगर ये चिपके तो थोड़ा सा पाउडर डालकर बैलेंस करें और अगर ज़्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे फिर से बैलेंस करें इन्हें समेटकर इकट्ठा करें और दोनों हाथों से दबाते हुए रोल करें ध्यान रहे आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए इन्हें तब तक रोल और फोल्ड करें जब तक कि डो एकदम से सॉफ्ट ना हो जाए अगर वॉल्पुटी से पहले डो नहीं बनाया है तो पहले थोड़ी मात्रा में डो बनाएं ताकि आपका नुकसान कम से कम हो एक बार जब डो बन जाए तो अपने हाथों को अच्छी तरह से एक अलग से बर्तन में धोएं वॉल पुटी से सने हाथों को कभी भी घर के सिंक या फिर वॉश बेसिन में ना धोएं हाथ धुले पानी को घर के सिंक या वॉश मशीन में कभी न फेंकें इस पानी को चार या पाँच घंटे तक शांत रहने दें नीचे वॉलपुटी का गाद जम जाएगा ऊपर के साफ पानी को फेंक दें और नीचे जमे गाद को एक पेपर में समेट कर डस्टबिन में डाल दें और कचरे वाले को दे दें वॉलपुटी डो केवल चार घंटे ही चल पाते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से बनाए काम करते वक्त डो को गीले कपड़े या फिर पॉलीथीन से ढक कर रखें शेप को तीन कोट कर सुखा लिया था अब डिटेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं डो से पतले कॉइल बनाएं, थोड़ी से प्रैक्टिस में ये आसानी से बनने लग जाते हैं हल्के हाथों से रोल करेंगे तो ये आराम से बन जाएंगे दिए के लॉ की आउटलाइन इसी क्वाइल से करें चिपकाने का सारा काम हम पुट्टी फेविकोल के पेस्ट से करेंगे ध्यान रहे बाहर की तरफ क्वाल को फिनिश रखें और अंदर की तरफ कैसा भी हो चलेगा प्लेटफॉर्म पे भी क्वालिंग करें सभी सेट्स पे ये कंप्लीट करें और अच्छी तरह ड्राई होने दें लो यानी फ्लेम के बीच में थोड़ी ज्यादा मात्रा में डो से प्रॉपर शेप दे यानी इसे थोड़ा सा उभार देना है एक बार गोलाई आ जाए तो पानी से फिनिश करे सभी सेट्स पे ये काम करे और फिर से ड्राई होने दें कई लोग एक ही बार में शेप बनाना चाहते हैं तो उससे शेप प्रॉपर नहीं आ पाता साथ में क्रैक आने के भी चांसेस होते हैं वॉल पुट्टी में हमेशा लेयर वाइज काम करते हैं एक लेयर थोड़ा सा ड्राई होता है तब फिर हम दूसरे लेयर पे काम करते हैं फिर से क्वाइल बनाकर दिए के शेप की डिटेलिंग करें ये काम आप मोल्डिट या फिर शिल्पकार क्ले से भी कर सकते हैं पर थोड़ा महंगा पड़ता है यानी एक शेप बनाने में करीब नब्बे रुपये लग जाएंगे पर वॉल पुट्टी से ये पैंतालीस रुपये में एक किलो पाउडर से छः शेप आराम से बन सकता है चॉइस आपकी है मोल्डिट या फिर शिल्पकार के से बनाने का एक फ़ायदा ज़रूर है कि वो काफ़ी मजबूत होगा पर अगर क्राफ्ट नहीं बना तो नुकसान काफ़ी होता है और यही वॉल पुट्टी से बनाते हैं तो नुकसान कम से कम होने के चांसेस होते हैं अगर क्राफ्ट ना बना तो नुकसान कम से कम होगा पूरे दिए की डिटेलिंग कंप्लीट करें और अच्छे से ड्राई होने दें जैसे ये ड्राई होता है तो आपको लगे कि कहीं अन एरिया है तो 320 या इसके आसपास वाले सैंड पेपर से यानी रेगमाल से इनकी घिसाई करें ताकि अन एरिया इवन हो जाए इस इनसे निकले डस्ट को डस्टबिन में डाल दें इन्हें सिंक या वॉश मशीन में ना फेंकें सभी सेट्स अच्छी तरह फिनिश हो गए हैं अब हम कलर की शुरुआत कर सकते हैं मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है आप चाहें तो ऑयल पेंट या फिर पोस्टर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक कलर का दो कोट करें एक कोट को ड्राई होने दें तब फिर दूसरा कोट करें अपने आप शाइनिंग आ जाती है और वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती पर आप चाहे तो अलग से वार्निश भी कर सकते हैं यहाँ प्रयोग किए गए सभी कलर्स के नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है इसके अलावा आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ये कट मिरर्स जो स्टेशनरी या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है इन्हें फेविकोल से जहाँ ज़रूरत हो चिपका लें अच्छी तरह ड्राई होने दें इलेक्ट्रिक दिया ज्यादा अच्छा रहता है इन्हें ऑन करें और प्लेटफॉर्म पे रख दे तो दोस्तों कार्डबोर्ड से बना शानदार कलरफुल क्राफ्ट बिल्कुल तैयार है इतना आसान कि कोई भी बना ले इतना सस्ता कि हर कोई अफोर्ड कर पाए इस तरह के ढेरों क्राफ्ट आइडिया देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर आइकन भी दबा दें ताकि हर नया क्राफ्ट आप समय पे देख पाए खुश रहें, सुरक्षित रहें क्राफ्ट करते रहें। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट